कटक सदस्यता कार्यक्रम में विरोधी दल को टार्गेट कले राज्य बीजेपी प्रभारी विजय पाल सिंह तोमर बीजेडी आगामी कार्यपंथा को नहीं बर्षिले प्रभारी विगत 24 वर्ष में बीजेडी सरकार जहां कर बीजेपी 100 दिन में कर देखाई बीजेपी सरकार 100 दिन एक वर्ष सह समान बीजेडी देखुची मु गेलालर स्वप्न ओडिशा रे 5 वर्ष नुहे बरंग अनेक वर्ष धरी कार्य करिबो बीजेपी विरोधी उठाउथिबा अभिजोग मूल्यहीन केवल निज दल को बचाइबा पई बीजेडी एभली कथा कहुछे 2024 मसीहारु केन्द्र रे लागू हेउथिबा अनेक जनकल्याणकारी योजना काहेकि बीजेडी निज शासन काल रे लागू करिनथिला रत्नभंडार चाबी हजाइथिले पूर्वतन सरकार बीजेडी सरकार रे महिला अत्याचार शीर्षरे थिला मंत्री माने मध्य एही संगीन अपराध रे सामिल थिले काहेकि नवीन बाबू से मंत्री मानंकु दंड देइनथिले कि पदच्युत करिनथिले बोली कहिछन्ते प्रभारी वर्तमान श्रीमंदिर रत्नभंडार चाबी मिलिला ओ चारि द्वार खोलिला बीजेपी एहा व्यतीत आगामी पंचायत निर्वाचन रे बीजेपी दम देखाइबो बोली कहिछन्ते राज्य बीजेपी प्रभारी विजय पाल सिंह तोमर। देखिए विपक्ष का काम ही ये है और वो मुंगेरी लाल के सपने हैं नहीं, वो देख रहे हैं ये स्थायी सरकार है परमानेंट चलेगी, 5 साल के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी है, विपक्ष खत्म हो चुका है, विपक्ष में कोई दम नहीं है। इस तरह का झूठा अनर्गल प्रचार करके अपने लोगों को बने रहे पार्टी में, पार्टी ना टूटे इसलिए वो प्रयास कर रहे हैं। किसी भी रास्ते में उड़ीसा आगे नहीं था उनके टाइम में, 90% पैसा हर घर नल से जल का नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा बताएं, वो आयुष्मान भारत योजना का लाभ पूरे देश में था, यहाँ क्यों लागू नहीं हुआ। अब 70 साल से ऊपर वाली हर व्यक्ति को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज है और आयुष्मान योजना भी लागू की जा रही है, वो बताएं 3100 रुपये धान का रेट उन्होंने दिया था क्या, 800 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हम दे रहे हैं। उन्होंने रत्न भंडार का जो खोला था चाबी गायब कर रखी थी, अब कैसे मिल गई, वो भी खुल गया, चार द्वार भी खुल गए और मुद्रा योजना भी लागू हो गई तो कहते थे लेकिन ऐसा नहीं था। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।